नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर के सिमरौल थाना क्षेत्र के चिकली गांव में पानी को लेकर हुआ भाइयों में आपसी विवाद के चलते एक भाई ने दूसरे भाई को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। परिवार में हुई इस खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अम्बा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल मामला देर रात सिमरौल थाना क्षेत्र के चिकली गांव में रहने वाले 4 भाइयों का पानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें खूनी संघर्ष के चलते एक की गला रेत कर हत्या कर दी गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है मृतक राजू उमराव और सिद्धू से पानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों परिवार कुल्हाड़ी और धारदार हथियार से दूसरे पर वार करने लगे। घटना में जहाँ राजू की मौत हो गई, वहीं सिद्धू और उमर घायल हो गए हैं। बीच बचाव करने आए सरदार के सर पर भी चोटें आई हैं। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। वहीं घायलों का उपचार एमवाय अस्पताल में किया जा रहा है। ये आज शाम की एक घटना थी, पानी को लेकर विवाद था यहाँ गाँव में। राजू हैं और इनके पड़ोसी आपस में रिश्तेदारी लोग हैं, भाई हैं, और इनका झगड़ा था। और अभी शाम को, रात को, ये देर रात इसके गले में ऐसा लग रहा कोई धारदार हथियार से मारा है। मृतक का नाम राजू है और उसकी डेथ हो गई है। सर, और भी कोई लोग घायल है दूसरे? हाँ, दूसरे 2-3 लोग घायल हैं, जिनको कि इलाज के लिए अभी हॉस्पिटल भेजा है, तो अब उनके नाम अब क्लियर होंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला न्यूज़। नमस्कार।